हैदर को क्या जवाब देंगे? हैदर को कहूंगी जो भी हुआ है तुम्हारे कारण हुआ, अगर मैं तुमसे जुदा हुई तो तुम्हारे कारण हुई, ऐसे रिश्ते नहीं चलते, एक दिन तलाक एक दिन साथ, एक दिन तलाक एक दिन साथ, ऐसे रिश्ते नहीं चलते, मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहने दे। और दूसरी बात, वहाँ हलचल इस बात से नहीं मची कि मैं भारत आई हूँ, इस बात से मची कि मैं हिंदू से शादी कर रही हूँ और हिंदू धर्म स्वीकार कर रहा है, इस बात से वहाँ हलचल बिल्कुल मच गई होगी क्योंकि मैं मुस्लिम हिंदू में आती है आपको पता है, और पाकिस्तानी खास करके, तो हलचल तो मचनी थी सर। नमाज पढ़ती थी शादी से पहले, रमज़ान पूरा नमाज हम पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, और अब नहीं, अब तो हिंदू, अब तो पूजा पाठी करते हैं। मतलब सावन के महीने में आप क्या कर रही हैं आजकल? आजकल तो आप देख रहे हैं मेरे पास समय नहीं, खाना खाने का समय ना है। वैसे जब मैं जेल में थी तब भी हमने पूजा खूब करी, यहाँ आई तब भी मम्मी ने पूजा कराई, तब तो नहीं हूँ, जब तक आस्ता सीख जाऊँगे, जैसे कुछ हैं मुझे अभी नहीं आ रहे पूजा के जो शब्द हैं, मतलब पाठ वगैरह सही से नहीं आ रही, पर सीख जाऊँगी। सीमा और सचिन इस वक्त हमारे साथ हैं जो पाकिस्तान से भारत पहुंच गई हैं, इन्हें भारत में सचिन से प्यार हो गया पबजी खेलते खेलते और आखिरकार इन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। सीमा हमारे साथ है, सीमा पाकिस्तान छोड़कर अब भारत आ चुकी हैं, कैसा अनुभव आपका ये रहा? अनुभव मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी आपको मुश्किलें हुई, कितना आसान आपको दिखाई दिया और जिस तरीके से आपने अपना प्यार यहाँ पर पाया? वहाँ से शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई भैया आने में, मतलब बहुत दिक्कत हुई, जब इंडिया में आई हूँ तो तब लगा कि हाँ भैया, मतलब कहते सब्र का फल मीठा होता है, तभी मुझे इनका एहसास हुआ कि मुझे खुशी मिली है और इनके साथ मैं बहुत खुश थी। फिर अचानक जेल के, पहले तो यहाँ थाने में, फिर जेल में, उसके बाद जाके अभी दोबारा सही होने लगे, अब जाके खुशी मिली है मुझे। लेकिन अब भारत आ गई तो पाकिस्तान में हलचल बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े मौलाना इस वक्त बयानबाजी वहाँ कर रहे हैं लगातार, जो हैदर है वो भी अपील कर रहा है कि आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वो प्यार की बात भी कर रहा है कि हम बहुत प्यार करेंगे, अब आप क्या वापस जाएंगी उसके बुला? ड्रामा कर रहा है। और दूसरी बात, वहाँ हलचल इस बात से नहीं मची कि मैं भारत आई हूँ, इस बात से मची कि मैं हिंदू से शादी कर रही हूँ और हिंदू धर्म स्वीकार कर रहा है, इस बात से वहाँ हलचल बिल्कुल मच गई होगी क्योंकि मैं मुस्लिम हिंदू में आती है आपको पता है, और पाकिस्तानी खास करके, तो हलचल तो मचनी थी सर बिल्कुल। तो क्या तलाक आपका हो गया, जिस तरीके से जो ट्रिपल तलाक है क्या वो आपने कर लिया? हो गया था, पर अभी वो मानने से मना कर रहे हैं, जब से मैं वीडियो में आने लगी हूँ तो वो भी वीडियो बनाने लगे, पहले उनको कोई आपत्ति नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, दो महीने तक मैं किसी को पता नहीं था मेरा, तब उनको कोई टेंशन नहीं थी। अगर रिपोर्ट भी दर्ज कराई होगी तो मेरी सिस्टरों ने कराई होगी, मेरी बहनों ने कराची में कराई होगी, वो तो सऊदी में बैठे हैं, मेरी बहनों ने ही कराई होगी क्योंकि बच्चों के कारण, मेरी बहनें मेरे बच्चों से प्यार करती थी, तो ये कह रहे कि रिपोर्ट हो गई, इन्होंने नहीं कराई होगी, इन्होंने दो में जब से वायरल हुई तब से ये आ रहे हैं नेट पे, उससे पहले ये इनको मेरी पता भी नहीं थी और मेरे मतलब जात जूस भी नहीं करी कि कहाँ है कहाँ नहीं है, अब जाके इनको प्यार जागा है और हर जो मैं जो भी इनको ऑप्शन दे रही हूँ ये एक ही बात कर रहे हैं, नहीं तुम वापस आओगे, और वो एंकर से भी जो बात करते उनसे भी लड़ने को भागे जा रहे थे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ हैदर कह रहा है कि सीमा ने धोखा दिया है मेरे साथ, धोखा दिया सर, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, आप रिस्पेक्ट, सबसे पहले रिस्पेक्ट, क्या उन्होंने मुझे मेरी कभी रिस्पेक्ट करी? अभी जो बच्चे कह रहे हैं, क्या उन्होंने अपने पहले बच्चों का ध्यान रखा, जो इन बच्चों का ध्यान रखेंगे, यही बात, उन पहले बच्चों ने उनके स्कूल का मुंह नहीं देखा तो ये बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे। लेकिन आप वो बच्चों की बात कर रहे हैं कि मैं बच्चों की परवरिश करूँगा, क्या बच्चे आप वापस देंगे उनको या अपने पास? बच्चों, वो बच्चों की डिसीजन है, छोटे हैं या बड़े, अगर उन्होंने प्यार दिया होगा तो जाएंगे इनके पास, अब अगर बच्चे इनके पास जाते हैं मैं मना नहीं करती, अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो मैं मना नहीं करती, बाकी मैं कभी भी नहीं जाऊंगी मेरा जी। लेकिन अब आप मुस्लिम धर्म से सीधा हिंदू धर्म में आ गई, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से बुरका आपने छोड़ा है, जो रीति रिवाज थे वो आपने छोड़ा है, क्या आप 5 वक्त नमाज भी करती थी? नमाज पढ़ती थी शादी से पहले, रमज़ान पूरा नमाज हम पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, और अब नहीं, अब तो हिंदू, अब तो पूजा पाठी करते हैं। मतलब सावन के महीने में आप क्या कर रही हैं आजकल? आजकल तो आप देख रहे हैं मेरे पास समय नहीं, खाना खाने का समय ना है। वैसे जब मैं जेल में थी तब भी हमने पूजा खूब करी, यहाँ आई तब भी मम्मी ने पूजा कराई, तब तो नहीं हूँ, जब तक आस्ता सीख जाऊँगे, जैसे कुछ हैं मुझे अभी नहीं आ रहे पूजा के जो शब्द हैं, मतलब पाठ वगैरह सही से नहीं आ रही, पर सीख जाऊँगी जी। लेकिन सचिन में आपने क्या देखा था, जो अब आप उसके लिए यहाँ पर आ गई, क्या आपने उसके अंदर देखा, क्या क्वालिटी आपको नज़र आई सचिन में? मेरे सचिन हीरो हैं, सबसे पहले तो वो हीरो हैं, मैं उन्हें हीरो कहूँगी, मेरी ज़िंदगी के हीरो हैं तो हीरो हैं, और दूसरी बात वो बहुत अच्छे हैं, आपने देखा होगा कितने भोले हैं वो उनको टिपल टिपल बोलना नहीं आता, ज़्यादा लड़ाई करना इतना नहीं आता, हाँ लड़ती भी उनसे मैं ही थी क्योंकि प्यार में शक भी होता है, लड़ाई भी होती है,
तो वो बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं वो मन के, वो बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं। आपका प्यार परवान चढ़ गया, आप यहाँ पर आ गई, लेकिन सिर्फ प्यार से अब काम नहीं चलेगा। क्या सचिन उन चार बच्चों की परवरिश कर पाएगा जो दुख आपने पाकिस्तान में देखा होगा? आप उम्मीद करती हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में ना देखने को मिले सचिन? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे यकीन है और सचिन भी यकीन दिलाते हैं। अब तो हम फेमस हो गए, अब तो और बड़े बड़े लोग भी आके हमें बिलीव दिलाते हैं कि तुम भूखी नहीं मरोगी, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे। अब बड़े बड़े लोग बाहर से भी आके, सुबह से लोग तो दूसरे शहरों से आ रहे थे, आगरा से, मथुरा से, इस तरह के शहर से लोग आ रहे थे, हमें कह रहे थे कि कार्ड दे के गए हैं, तुम्हें कोई काम करना हो, कुछ भी अच्छा करना हो तो हमसे रब्ता करना, हम आपकी हेल्प करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं जिस स्टेट में आप हैं, क्या अपील उनसे करेंगे आप? उनसे यही अपील है कि मेरे पति से मुझे जुदा ना किया जाए सचिन मीना से। मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, मेरे बच्चे भी आ चुके हैं, कि उन्हें किसी की बातों में ध्यान ना दें। मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो बहुत कोशिश करेंगे मुझे वापस पाने की, मुझे सबक सिखाने की, ताकि आगे कोई औरत ऐसी गलती ना करे। अगर वापस जाती हैं तो आपको टॉर्चर किया जाएगा या परेशानी में डाला जाएगा? डर नहीं है, ये कन्फर्म है, क्योंकि करेंगे इसलिए करेंगे ताकि आगे की कोई मुस्लिम लड़की ऐसा काम ना करे, इसलिए करेंगे। और मैं कहूँगी कि कोई भी ऐसा करना चाहता है, यहाँ आना चाहते हैं मोहब्बत में, कोशिश करें वीज़े से आए। मैं तो गलती करी, अनलीगल आई हूँ, मैं वीज़े से बगैर आई हूँ, तो यहाँ बहुत इज्जत मिलेगी पाकिस्तानियों को। क्या जवाब देंगे हैदर? तरीके से वो रो रहा है, हैदर को कहूँगी तुम मत करो ऐसे, मेरी खुशी में खुश रहो, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। सोशल मीडिया में आपके वीडियोस के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले आपने हैदर से प्यार किया था, उसके साथ आपका प्यार परवान चढ़ा, अब सचिन के साथ चढ़ा, ऐसा तो नहीं है दो चार साल बाद आप किसी और से प्यार कर बैठे? ऐसा अब ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और हैदर से मैंने प्यार नहीं करा था, इज्जत करती थी मैं उनकी, वो इज्जत उन्होंने खुद गंवाई। हैदर को क्या जवाब देंगे? हैदर को कहूँगी जो भी हुआ है तुम्हारे कारण हुआ, अगर मैं तुमसे जुदा हुई तो तुम्हारे कारण हुई, ऐसे रिश्ते नहीं चलते, एक दिन तलाक एक दिन साथ, एक दिन तलाक एक दिन साथ, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहने दे। ठीक है, मेरे साथ सीमा जो साफ तौर पर कह रही है कि मैं खुश हूँ और मुझे खुश रहने दीजिए, और इस तरीके से लगातार नहीं चलता रिश्ता। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है एडवाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार। और आप देख आप क्या कहेंगे ना? हाथ जोड़ कर लेगा ना, तुम कर लो, तुम कर लो, ये कर दो, इतना आगे से बस दो ही मिनट, आराम से चले जाए, कैमरे में आ रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर, इनको पता था? नहीं, बिल्कुल इनको पता था।